Hey guys, welcome back to the homestay. Mr. Watson, come here, I want to see you. Mr. Watson, यहाँ आइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ. ये वर्ड दुनिया में सबसे पहले टेलीफोन पे बोले जाने वाले वर्ड है. एलेक्जेंड्रा ग्रेहम बेल ने सबसे पहले फोन में ये बोला था. लेकिन बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि स्मार्टफोन से पहले टेलीफोन बना था. तो चलिए जानते हैं टेलीफोन और स्मार्टफोन के इन्वेंशन के बारे में. मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे. renderforest.com सबसे पहले एलेक्जेंडर ग्रेहम बेल ने अपने सहायक टॉम्स वॉटसन की सहायता से मार्च 10, 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था. लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि टेलीफोन का आविष्कार एलिसा ग्रे ने भी किया था और टेलीफोन को अपने नाम पर पेटेंट कराने के लिए इन दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई थी. लेकिन आखिरकार एलेक्जेंडर ग्रेहम बेल ने मार्च 7, 1876 में इसका पेटेंट अपने नाम करा लिया और पहला टेलीफोन 1892 में न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच में लगाया गया. टेलीफोन के बाद कीपैड वाले मोबाइल मार्केट में दस्तक दे चुके थे. पहले कीपैड का मोबाइल मोटोरोला कंपनी द्वारा 1973 में बनाया गया था. इस मोबाइल फोन को डायनाटेक नाम दिया गया था. इसके बाद आए टच स्क्रीन स्मार्टफोन. आपको लगता है कि टच स्क्रीन फोन का इस्तेमाल हाल ही के कुछ वर्षों में शुरू हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है. कुछ सालों में टच स्क्रीन फोन काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, लेकिन इसका निर्माण बहुत ही पहले हो गया था. हाँ, ये बात तो अलग है कि उस समय टच स्क्रीन फोन काफ़ी वजनदार और साधारण फीचर्स के साथ आते थे, लेकिन आज के टच स्क्रीन वाले फ़ोन की बुनियाद उन्होंने ही रखी है. दुनिया में पहला टच स्क्रीन फोन IBM और अमेरिका की फ़ोन निर्माता कंपनी बेल सेल्स द्वारा निर्मित किया गया था. इस फोन को IBM सिमोन नाम दिया गया था. वर्ष 1892 में IBM सिमोन को लॉन्च किया गया था, किंतु कस्टमर के लिए 1994 में ये पहली बार सेल के लिए अवेलेबल हुआ था. आयरिश टाइम्स के अनुसार इस टच स्क्रीन फोन को सिमोन नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये फोन बहुत ही सिंपल था. ये लगभग उस समय के अनुसार सभी वर्क करने में कैपेबल था जिसकी आवश्यकता उस समय के स्मार्टफोन से की जाती थी. IBM सिमोन टच स्क्रीन फोन के लुक और डिजाइन की बात करें तो ये फोन आज के स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग था. इस फोन का वजन लगभग आधा किलोग्राम था और इस फोन की लंबाई 23 सेंटीमीटर थी. पहले टच स्क्रीन फोन IBM सिमोन में उपयोग की गई LCD स्क्रीन ग्रीन कलर की थी. फोन का उपयोग किए सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंज्यूमर को लिखने, तस्वीर बनाने, कैलेंडर और कॉन्टेक्ट को अपडेट करने, फैक्स भेजने और रिसीव करने की सुविधा दी गई थी. साथ ही इसमें नीचे एक स्लॉट दिया गया था जिससे मैप और स्प्रेडशीट और गेम तक पहुंचा जा सकता था. IBM सिमोन की कीमत की बात करें तो उस समय इसे $900 में लॉन्च किया गया था. इस टच स्क्रीन फोन के लगभग 50,000 डिवाइस की बिक्री हुई थी. नाउ लेट्स जंप इनटू द फैक्ट्स ऑफ स्मार्टफोन. नोकिया 1100 मॉडल अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल रहा है. इस मोबाइल की बिक्री 250 मिलियन से भी ज़्यादा हुई थी, जिसे अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज करा लिया. जापान में 90% लोग वाटरप्रूफ मोबाइल यूज़ करते हैं क्योंकि जापान में अधिकतर लोग नहाते समय भी मोबाइल यूज़ करते हैं. सोनीम XP 3300 दुनिया का सबसे मजबूत फोन है, जिसको 84 फीट की ऊंचाई से गिराने पर भी कुछ नहीं हुआ था. ये फोन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है. मोबाइल से सबसे पहले फोटो सन 1997 में फिलिपे कहन ने ली थी और उन्होंने ही कैमरे वाले फोन की शुरुआत की थी. मोबाइल फोन से पहला टेक्स्ट मैसेज नील पोपवर्थ ने भेजा था, जिसमें लिखा था मेरी क्रिसमस. स्मार्टफोन में भेजे गए 90% मैसेज को 3 मिनट के अंदर ही पढ़ लिया जाता है. दुनिया में 49% लोग अपने मोबाइल फोन का यूज गेम खेलने के लिए करते हैं और 30% लोग सोशल मीडिया साइट को यूज करने के लिए करते हैं. दुनिया का सबसे छोटा स्मार्टफोन जेंको टिनी T1 है. स्मार्टफोन के इस्तेमाल से कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे रिंगजेट,
नोमोफोबिया, स्मार्टफोन खोने या पास न होने पर चिंता होना नोमोफोबिया के लक्षण है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि होमस्टेड के इन्वेंशन की वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन की वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बनें।